हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको फुल एचडी में फेस को स्मूथ कैसे करना है एंड साथ ही आपके हेयर में कटिंग कैसे करना है एंड साथ ही एडिटिंग के बारीक से बारीक टूल का इस्तेमाल आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो पे बिल्कुल एंड तक बने रहिए एंड यहाँ आपके फेस में डोज एंड बर्न इफेक्ट कैसे देना है वो भी हम आज वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो पे बिल्कुल एंड तक बने रहिए एंड जिसे सीखना है वही इस वीडियो को देखिएगा एंड बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऑयली एंड एचडीआर फोटो है एंड ये ओरिजिनल फोटो है। सो इसे हम एडिट करने वाले हैं। सो बिना देरी के फोटो को हम शेयर कर देंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में एंड ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम आ जाएंगे सिंपली सिलेक्ट टूल में। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से मॉडल के फेस पे चला देना है एंड सिंपली आपको ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेना है एंड साथ ही कॉन्ट्रास्ट एंड यहाँ पे सैचुरेशन आपको ऐड कर लेना है एंड स्ट्रक्चर का आपको कम रखना है एंड इस तरीके से आपको चला देना मॉडल के फेस पे। एंड यार यहाँ पे मैं आपको दूसरी यूट्यूबर की तरह गोटियाँ नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं आपको एडिटिंग के रियल फैक्ट बताऊंगा एंड साथ ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो चैनल पर नहीं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए यार एंड आप लोग बोर हो रहेंगे। सो यहाँ पर मैं आपके लिए म्यूजिक स्टार्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आपको शेड वाला पार्ट ले लेना है एंड यहाँ से आपको इस तरीके से कर लेना है एंड इस बार हम यहाँ पर हेयर सिलेक्ट करेंगे एंड इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड स्ट्रक्चर को आपको 100% कर लेना है। सो इस बार हम आ जाएंगे हेलिंग टूल में एंड इस तरीके से हम मॉडल के फेस पे चला देंगे ताकि पिंपल्स रिमूव हो जाए एंड इस तरीके से हम चला देंगे एंड यहाँ पे आपको मॉडल के हेड पे भी चला देना है। एंड यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एचडीआर स्केप एंड यहाँ पे आपको सिंपली से सिलेक्ट कर देना है, नेचुरल वाला आपको दिख रहा होगा एंड यहाँ से डन करना है। यहाँ पे हम आ जाएंगे सिंपली व्यू एडिट में एंड इसके फ्लो को हम 100% कर लेंगे एंड यहाँ से डन करेंगे एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे सिंपली सेटिंग में एंड यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑप्शन इनवर्स वाला। सो सिंपली आपको इनवर्स कर लेना है एंड यहाँ पे आपको सेटिंग को जीरो कर लेना है एंड फेस में आपको इस तरीके से कर लेना है। तो आपको फटाफट से आपके पूरे फेस पे कर लेना है गाइस। सो फटाफट कर लेते हैं। एंड इस बार हम आ जाएंगे सिंपली सिलेक्ट टूल में एंड इस तरीके से हम मॉडल के शर्ट पे चला देंगे एंड यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऐड कर लेना है। यहाँ से आपको डन करना है एंड यहाँ पे आप फोन को रोटेट कर लीजिए एंड सेव किया फोटो को आपको सिंपली स्केचबुक में शेयर कर देना है। एंड यहाँ पे आपको सिंपली आ जाना है, यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा लेयर एंड यहाँ से आपको सिंपली से डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेना है ताकि हमारे फिजिकल लेयर में कोई इशू ना आए। एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे सिंपली लाइब्रेरी में एंड यहाँ से हम सिंपली इस मंज वाला ब्रश ले लेंगे, थर्ड नंबर वाला एंड यहाँ पे आप सेटिंग देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको आ जाना सिंपली कलर्स में एंड यहाँ पे आपको पिंच टूल दिख रहा होगा। सो वो यहाँ से आपको सिंपली से मॉडल के फेस का कलर सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड आपको पूरे फेस में इस तरीके से चला देना है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से चलाइएगा एंड इस तरीके से आपको पूरे मॉडल के फेस में चला देना है एंड यहाँ पे मैं साइज एडजस्ट कर लूँगा तो आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से पूरे फेस पर चला देना है। हेड पर भी आपको इसी तरीके से चला देना है। तो आपको अच्छे से चलाना है तो जितना अच्छे से आप एडिट करेंगे उतना अच्छा आपका फोटो एडिट होगा। यहाँ
यहाँ पर आपको साइज एडजस्ट कर लेना है एंड इस तरीके से आपको कर लेना है गाइस। सिंपली शेड वाले पार्ट में हम इस तरीके से चलाएंगे गाइस, तो सो आपको ओवर नहीं करना है एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल नॉर्मल सा आपको ब्रश चलाना है, जो आप देख सकते हैं आपको इसी तरीके से चलाना है गाइस। एंड यहाँ पे आपको सिंपली से गाइस ब्रश का साइज एडजस्ट कर लेना है एंड इस तरीके से आपको चलाना है गाइस। सिंपली आपको आ जाना लेयर में एंड इसका ऑपोजिट आपको 90% कर लेना है एंड यहाँ से आपको मर्ज कर लेना है एंड फिर से आपको डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेना है एंड सिंपली आपको आ जाना है लाइब्रेरी में एंड फिर से आपको इसी तरीके से आपको फेस पर चला देना है। आपको ऑपोसिटी हम 60% के आसपास कर लेना है एंड फिर से आपको मर्ज कर लेना है एंड डुप्लीकेट लेयर फिर से आपको क्रिएट कर लेना है एंड यहाँ पे हम इस तरीके से कर लेंगे। एंड यहाँ पे इसका ऑपोसिटी हम 50% कर लेंगे गाइस एंड यहाँ से मर्ज करेंगे एंड फिर से हम डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेंगे ताकि हमारे फिजिकल लेयर में कोई लॉस ना आए। तो सिंपली आपको यहाँ पर गाइड वाला टूल सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको इस तरीके से आपको कर लेना है एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं तो आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। यहाँ पे हम आ जाएंगे सिंपली लाइब्रेरी में एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4th नंबर वाला ब्रश, सो आपको ले लेना है। सो आप सेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस एंड यहाँ पे हम साइज को एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर चला देंगे एंड यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे इसे। सो इस लेयर को मर्ज कर लेंगे एंड फिर से डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेंगे एंड इस बार हम स्मूथ वाला ब्रश ले लेंगे एंड इस तरीके से हम यहाँ पर चला देंगे गाइस। तो आपको चला लेना है, यहाँ पे आपको इसका ऑपोजिट 80% कर लेना है एंड यहाँ से डन करना है एंड इस बार हम यहाँ पर आईब्रो सेट करेंगे। सो यहाँ पे आपको ले लेना है सिंथेसिस पेंट एंड सिंथेसिस एंगुलर टू ब्रश। सो ये हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है एंड यहाँ पे आप सेटिंग देख सकते हैं एंड साइज को आपको एडजस्ट कर लेना है एंड इस तरीके से आपको चला देना है। तो आपको सिंपली आ जाना है कलर्स में एंड यहाँ से आपको सिंपली से आईब्रो का कलर सेलेक्ट कर लेना है एंड इस तरीके से आपको चला देना गाइस। एंड यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको अलग अलग जगह पे चलाना है, इसे एक ही जगह पर आप नहीं चलाइए। तो आपको इसी तरीके से चला देना है एंड यहाँ पे आपको हल्का ही ब्रश चलाना है गाइस, यहाँ पे आपको ओवर नहीं करना एंड यहाँ पे आपको सिंपली जो इसका ऑपोजिट है आपको कर लेना 30 एंड 35 के आसपास कर लेना है। यहाँ पे जहाँ भी आपको लग रहा है कम तो आपको इसी तरीके से चला देना एंड इस बार हमने डबल चलाया है। सो यहाँ पे हम इसका ऑपोसिटी हम कम कर लेंगे एंड लेयर को मर्ज करेंगे एंड फिर से डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेंगे। इस बार हम आ जाएंगे इसमें वाले ब्रश में।
सो यहाँ पे आपको कट लगाने से पहले एक बात ध्यान देना है, आपको आ जाना सिंपली कलर्स में एंड आपको फेस का कलर सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर से आपको इस तरीके से आपको गाइड टूल्स को सिलेक्ट कर लेना एंड इस तरीके से आपको चला लेना है गाइस। एंड इस बार हम आ जाएंगे थर्ड नंबर वाले कलर्स में एंड इस तरीके से हम इसे कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट लग चुका है एंड यहाँ पे हम लेयर को सिंपली 100% कर लेंगे एंड यहाँ पे हम मर्ज कर लेंगे एंड मर्ज करने के बाद फिर से हम डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेंगे। सो जितना भी वर्क होता है गाइस सो आपको डुप्लीकेट लेयर में ही करना होता है, तो आप डुप्लीकेट लेयर में ही करिएगा। एंड इस बार हम आ जाएंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नियॉन वाला ग्लो ब्रश, तो आप सेटिंग बिल्कुल देख लीजिए, आपको ग्लो को रखना है 23 के आसपास एंड साइज को आपको कर लेना है ज़्यादा एंड यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे फेस का कलर एंड आपको सिंपली से इसका साइज एडजस्ट कर लेना है एंड इस तरीके से आपको फेस पे चला देना है। एंड यहाँ पे आपको आ जाना सिंपली लेयर में एंड यहाँ पे आपको कर लेना है ओवरले, आपको दिख रहा होगा एंड इसका जो ऑपोजिटी है आपको बिल्कुल कम कर लेना एंड यहाँ पे आप अपने फ़ोटो के हिसाब से रख सकते हैं एंड यहाँ पे आपको मर्ज कर लेना लेयर को। तो यार आप देख सकते हैं फोटो हमारा रेडी है एंड यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करिए एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट पर जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय।